दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टोटल आज के दिन की पांच बड़ी अपडेट्स के बारे में। और सबसे बड़ी अपडेट के बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जी हां दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस का आज थर्ड डे हमें देखने को मिल रहा है। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है जहां पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से यहां पर बात करी है और कुछ बड़े आउटकम्स यहां पर निकल कर आए हैं। तो क्या अब इंडिया यूक्रेन के साथ हो गया है या फिर कुछ और बड़ी अपडेट्स हमें यहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, कभी भी कहानी के एक पन्ने को पढ़कर कहानी का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो कंक्लूजन हमें इस मीटिंग के दौरान देखने को मिल रहा है वो कुछ और ही है। तो उसी ऑफिशियल अपडेट्स को मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। जी हां, पीएम मोदी ने बात तो करी है यूक्रेन के प्रेसिडेंट से, लेकिन क्या बड़े अपडेट्स यहां पर निकल कर आए हैं वन बाय वन आप देख सकते हैं। पीएम मोदी स्पीक्स टू यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की। सबसे पहले तो बात तो यहां पर करिए, ये कंफर्म हो चुका है। वहीं पीएम एक्सप्रेस डीप एंग्विश अबाउट लॉस ऑफ लाइव्स। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दो दिन के अंदर लगभग 1100 लोगों से भी ज्यादा यहां पर रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस में लोग घायल हो चुके हैं। वहीं कहीं लोगों ने, यानी कि 100 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल है। तो उसको लेकर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया है। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट्स की बात करें तो पीएम मोदी रिटायरेटेड हिज कॉल फॉर इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस एंड रिटर्न टू डायलॉग। यानी कि पीएम मोदी का कहना है कि ये वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो और आप यहां पर समझौता कर लें। उसी के बाद में चौथी बड़ी अपडेट्स हमें यहां पर देखने को मिल रही है, पीएम एक्सप्रेस इंडियाज विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट टू पीस एफर्ट्स। जी हां दोस्तों, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किसी प्रकार से ये नहीं कहा है कि वो यूक्रेन के साथ में है या फिर रशिया के साथ में है, लेकिन उन्होंने यहां पर ये क्लेरिफाई कर दिया है कि वो पीस यानी कि शांति को लेकर सपोर्ट जरूर करना चाहेंगे। वहीं फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो पीएम कन्वेंट इंडियाज डीप कंसर्न फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन सिटीजन इन यूक्रेन। जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन के अंदर लगभग 20,000+ हमें स्टूडेंट वहां पर फंसे हो देखने को मिल रहे हैं। और इसी बीच पीएम मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात करके यहां पर ये क्लियर करा है कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का काफी ज्यादा ध्यान रखा जाए। पीएम मोदी और यूक्रेन प्रेसिडेंट के बीच में जो बात हुई है उसमें जो बड़े आउटकम से वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर कंपनी ने जो स्प्लिट अनाउंस किया था उसकी रिकॉर्ड डेट यहां पर निकल कर आ चुकी है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है रामकृष्ण फॉरेंस लिमिटेड। जी हां दोस्तों, जहां पिछले एक साल में यह कंपनी 46% से भी ज्यादा के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 1:5 के रेशो का स्प्लिट अनाउंस किया था। तो स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अनाउंस नहीं करी थी, जो कि आज ही के दिन यानी कि 26 फरवरी 2022 के दिन ही निकल कर आई है। ऑफिशियल सर्कुलर आप यहां पर देख सकते हैं जिसमें कंपनी की तरफ से जो स्प्लिट की डेट अनाउंस करी गई है, रिकॉर्ड डेट अनाउंस करी गई है, वो है 15 मार्च 2022। जी हां दोस्तों, 15 मार्च के पहले यानी कि 14 मार्च जो कि इसकी हमें एक्स डेट देखने को मिल रही है, अगर आप इस तारीख तक रामकृष्ण वॉरेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तब जाकर आप यहां पर स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यदि आप स्प्लिट का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो इस एक्स डेट को और इस रिकॉर्ड डेट को अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि कंपनी करती क्या है, तो रामकृष्ण फॉरेंस लिमिटेड इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ फॉर कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, रेलवे, वेजन्स एंड इंजीनियरिंग पार्ट्स। 2538 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि डिविडेंड भी देती है, और साथ ही साथ कंपनी के पिछले 5 साल के सेल्स ग्रोथ की बात करी जाए तो लगभग 7.5% की देखने को मिलती है। साथ ही साथ पिछले एक साल में कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है, तो आप यहां पर खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर बड़ी अपडेट्स के बारे में, जो कि टाटा मोटर्स से रिलेटेड निकल कर आ रही है। टाटा मोटर्स जहां लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इस शेयर के अंदर 8% तक की शानदार रैली देखने को मिल चुकी है, वहीं टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए आने वाले कुछ सप्ताह बहुत ज्यादा खास होने वाले हैं। सबसे पहली न्यूज जो यहां पर निकल कर आ रही है उसमें आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स टू गियरिंग अप फॉर द लॉन्च ऑफ 3 EVs। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, टाटा मोटर्स इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च 3 अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एट द प्राइस ऑफ 10 लाख पर
पर व्हीकल्स ओवर द नेक्स्ट 18 मंथ्स, तो कंपनी अगले 18 महीनों के अंदर 3 EVs यहां पर लॉन्च करने वाली है, जो कि प्राइस 10 लाख रुपए से भी कम की रहेगी। यानी कि अफोर्डेबल EVs हमें इंडिया के अंदर आते हुए देखने को मिलने वाली है। और दिस 3 new launch इंक्लूड्स एन ऑल न्यू टियागो EV इलेक्ट्रीफाइड, साथ ही साथ यहां पर हमें पंच माइक्रो SUV और अल्ट्रोस प्रीमियम हैचबैक देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार न्यूज मार्केट में आज के दिन ये निकल कर आ रही है टाटा मोटर से रिलेटेड। अनदर बड़ी अपडेट्स की बात करें तो टाटा इलेक्ट्रिक ट्रक ऑफ फ्यूचर इमेजिन एज रेंडर, तो यहाँ पर बहुत जल्दी टाटा अपने इलेक्ट्रिक ट्रक भी मार्केट में उतारने वाली है, तो इसका बेनिफिट भी टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। कई के दिन मैंने आपके साथ एक और अपडेट शेयर करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि टाटा मोटर्स DVR, जो कि कल के दिन हमें 8% तक के शानदार पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले थे, वहीं इस शेयर को ASM लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो इस शेयर्स के अंदर भी अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो मंडे के दिन आपको यहां पर भी शानदार मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। बात करें कि यहां पर 3 EVs जो कंपनी लॉन्च करने वाली है अगले 18 महीनों में, और साथ ही साथ EVs ट्रक हमें मार्केट में उतरते हुए देखने को मिलने वाले हैं, तो इसी कंपनी को इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्यों मिलने वाला है। सबसे पहली चीज़, अगर आप टाटा मोटर्स की मंथली बेसिस की सेल्स रिपोर्ट्स देखेंगे तो वहां पर भले ही कंपनी की पैसेंजर व्हीकल्स इतनी ज़्यादा ग्रोथ अचीव नहीं कर रही हो, लेकिन अगर आप कंपनी के इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट को देखेंगे तो वहां पर हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पर लगभग 400% की जंप देखने को मिल रही है। तो यहां पर अगर कंपनी 3 EVs अगर मार्केट में उतार देती है अफोर्डेबल प्राइस पर, तो उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है, और साथ ही साथ इसका बेनिफिट टाटा मोटर्स को काफी ज्यादा मिलने वाला है। तो यदि आपने टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो लॉन्ग टर्म पर्पस से आप यहां पर अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इंडियन रेलवे से रिलेटेड 2 मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में, यानी कि IRCTC के बारे में और साथ ही साथ इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। सबसे पहली चीज IRCTC, जहां पर अगेन हमें शेयर्स सपोर्ट लेवल पर देखने को मिल रहा है, यानी कि 800 रुपये के लेवल पर देखने को मिल रहा है। वहीं IRCTC के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज कल के दिन भी हमें देखने को मिली है, जहां पर IRCTC को निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है, जिसके चलते यहां पर काफ़ी बड़ा इन्फ्लो आते वे हमें देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ IRCTC ने कुछ और बड़े टूर पैकेजेस लॉन्च किए हैं, जिससे कंपनी के Q4 की अर्निंग्स में उसका काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। वहीं इंडियन रेलवे से रिलेटेड अनदर शेयर की बात करें, जिसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जहां पर कंपनी लिस्टिंग के बाद से कोई बड़ा लिस्टिंग गेन तो अपने इन्वेस्टर्स को दे नहीं पाई, लेकिन उसके बाद भी हमें यहां पर पिछले 2 सालों में कोई बड़े रिटर्न्स तो देखने को नहीं मिले। लेकिन इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ हमें मार्केट में आते हुए देखने को मिल रही है। देख सकते हैं आज ही के दिन ये न्यूज़ निकल कर आई है, जिसमें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। 1780 करोड़ रुपए का ऑर्डर हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कंपनी के मिलते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर यानी कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखा है तो आपको मंडे के दिन अगेन इस शेयर्स के अंदर काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। इस ऑर्डर के ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी आप यहां पर देख सकते हैं, जहां पर कंपनी को 1780 करोड़ रुपए का ऑर्डर हाथ लगा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज की अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, यानी कि LIC IPO के बारे में। जी हां दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का IPO आते हुए आपको देखने को मिलने वाला है। और इसी बीच आज के दिन कैबिनेट की तरफ से एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। LIC के IPO के लिए फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को 20% की मंजूरी आज के दिन कैबिनेट की तरफ से मिल चुकी है। आज के दिन की सबसे बड़ी अपडेट हमें ये देखने को मिल रही है, LIC में FDI के लिए रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, शनिवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है कि यहाँ पर यानी कि LIC में 20% FDI का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अगर पूरा केस मैं आपको बताऊँ तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, अभी जो हमें FDI की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक इंश्योरेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से 74% विदेशी निवेश की इजाज़त है, यानी कि सिर्फ 74% ही आप यहां पर विदेशी निवेश
कर सकते हैं, लेकिन यह रूल LIC पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसके लिए LIC के लिए एक अलग एक्ट है और अब सरकार ने इसमें बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगली अपडेट्स की बात करें तो LIC पॉलिसी होल्डर्स, जी हाँ दोस्तों, LIC पॉलिसी होल्डर अगर LIC IPO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक चीज का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा कि LIC पॉलिसी के साथ में आपका पैन कार्ड लिंक होना चाहिए और उसकी जो ड्यू डेट है वो 28 फरवरी है। तो 28 फरवरी के पहले अगर आप अपने पैन कार्ड को अपने LIC से लिंक कर देते हैं तभी आप LIC के IPO के अंदर जो 10% का कोटा रखा गया है उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली अगर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट LIC IPO के अपडेट्स की बात करें तो LIC पॉलिसी होल्डर कैन क्लेम 10% कोटा रिजर्व फॉर देम ओनली व्हेन देयर LIC पॉलिसी एंड पेन इज लिंक। तो यदि आपका LIC पॉलिसी आपके पेन कार्ड से लिंक होगी तभी आप यहां पर जो 10% की स्पेशल आपको यहां पर रिजर्व किया गया है इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी 28 फरवरी के पहले अपनी LIC पॉलिसी को अपने पेन कार्ड से लिंक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उन्हीं LIC पॉलिसी होल्डर्स को इसका बेनिफिट मिल पाएगा जिन्होंने 13 फरवरी 2022 के पहले तक LIC के अंदर अपनी पॉलिसी ली है, यानी कि 13 फरवरी 2022 के अंदर अगर आपने LIC की पॉलिसी ली है तो आप LIC IPO के अंदर जो 10% का रिजर्व कोटा है उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। वहीं 35% ऑफ द LIC इनिशियल ऑफर्स हैज बीन रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हमें LIC IPO के अंदर LIC पॉलिसी होल्डर्स को मिलने वाला है। तो 11 मार्च की डेट को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, वहाँ पर हमें इसकी डेट अनाउंस होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।